नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आज हम एक सक्सेस स्टोरी की बातचीत करेंगे। आज हम नरेंद्र यादव जी के फार्म पर है और नरेंद्र जी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ये है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने पहले 5 से 7 साल तक एक जॉब इन्होंने किया और उसके बाद इनका मन जो है जॉब में नहीं लगा तो सीधा यह पोल्ट्री फार्मिंग में उतर आए। बहुत बार हमें इसे कम देखने मिलता है कि कोई अच्छा खासा सेट जॉब छोड़ के पोल्ट्री फार्मिंग में आता है। और पिछले 3 साल से तकरीबन 2018 से यह देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्हें इस देसी मुर्गी पालन में बहुत कम टाइम मिलता है क्योंकि इतनी अच्छी मार्केटिंग ये करते हैं। कंटिन्यूसली इनके पास जो है देसी मुर्गी, देसी चूज़े, इनकी मांग रहती है और ये मांग पूरी करते करते इन्हें टाइम नहीं मिलता है। बहुत बार हमने बहुत सारे किसान जो है वह बताते हैं कि सर मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन नरेंद्र जी है इनके यहाँ पर हमने देखा है और उन्होंने खुद भी यह बताया कि सर मैं ऑलरेडी मेरे पास सभी जो ऑर्डर है मेरे बुक रहते हैं। बड़े होने से पहले ही लोग मुझे पूछते हैं कि मेरा ऑर्डर कब का कंप्लीट करोगे आप। तो यह अच्छी बात है, मुझे लगता है ऐसी सक्सेस स्टोरी से हमें सीखनी जरूरी है। इनका फार्म अगर देखा जाए तो यह तकरीबन 1500-1600 स्क्वायर फीट का यह फार्म है जिसमें हम तकरीबन 1500 तक बर्ड डाल सकते हैं। और पहला जो बैच है 2018 में इन्होंने 500 बर्ड से शुरुआत किया था जो कि इजीली सेल आउट हो गया और इसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और यह तकरीबन 1000 से लेकर 1500 का बैच अभी कंटिन्यूसली 3-4 महीने में एक आधा बैच डालते हैं। अभी इनकी सोच चल रही है कि इसे कैसे बढ़ाया जाए क्योंकि कंटिन्यूस हमें अगर बर्ड सेल करने हैं तो हमारा फार्म भी उतना बड़ा होना ज़रूरी है और हमारे पास हर महीने तकरीबन 1000-1500 बर्ड भी नया बैच आना ज़रूरी है। अभी तो यह खुद के इसी फार्म में यह सब मेंटेन कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने इनकी देखी है कि मार्केटिंग, ये आज भी इनके फार्म में कोई लेबर इनके पास नहीं है, खुद फार्म में काम करते हैं 24 आवर्स। और मुझे लगता है इसी कारण इनको सब बातें पहचानने में मदद होती है। हमने देखा है कि बहुत बार हम लेबर के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो मार्केटिंग करते समय हम बता नहीं पाते लोगों को हमारे मुर्गियों की क्या खासियत की क्या अच्छी बात है। तो इनसे मुझे भी यह एक बात अच्छी सीखने मिली कि अगर हम खुद अपने फार्म पे खुद काम करते हैं तो हमें सेल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाता है। यह इनके फार्म में देसी मुर्गी पालन और कड़कनाथ मुर्गियाँ भी यहाँ रखते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश आप सभी को पता है यहाँ पे कड़कनाथ का अच्छा खासा मार्केट है। और बात करेंगे हम इनके मार्केटिंग की, देसी मुर्गी जो है तकरीबन फीमेल बर्ड होती 300 में पर बर्ड बेचते हैं और उसी तरह मेल बर्ड जो है देसी मुर्गी का यह 350 रुपये में यह बेचते हैं और कड़कनाथ जो है यह केजी के ऊपर बेचते हैं। कड़कनाथ का मेल हो फीमेल बर्ड हो यह 550 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से यह सेल करते हैं। और जैसे कि मैंने बोला इनके पास कंटिन्यूसली वेटिंग रहती है, बर्ड लेने के लिए लोग यहाँ पे वेटिंग करते हैं। तो आपने इस सक्सेस स्टोरी से मुझे लगता है यही सीखना जरूरी है कि एक अच्छा मैनेजमेंट हो और अच्छा मार्केटिंग हो तो हम देसी मुर्गी पालन में काफ़ी सारा मुनाफा काफ़ी सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो नरेंद्र यादव जी को हम बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और उनका यह देसी मुर्गी पालन अच्छे से आगे बढ़े और ये बड़े पैमाने पर चलता रहे यह कामना व्यक्त करते हुए हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।